नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त माता कर्माबाई की जयंती पर सभी को साहू समाज ललितपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान की अनन्य भक्त एवं साहू समाज की आराध्य माता शिरोमणि कर्माबाई की जयंती आज ललितपुर शहर में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान संपूर्ण शहर में दोपहर के समय विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें साहू समाज के महिला, पुरुष, बुजुर्गों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बाद में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए एवं जगह जगह लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। आपको बताते चलें कि आज सुबह से ही माता कर्माबाई की जयंती को लेकर नगर के साहू समाज में हर्षोल्लास और जोश का माहौल था। संपूर्ण नगर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज दोपहर नगर के साहू समाज के तत्वावधान में माता कर्माबाई की जयंती की शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें हाथी, घोड़ों और बग्घियों पर देवी देवताओं के स्वरूपों की झांकियां विराजमान थीं। युवा और बच्चे हाथों में धार्मिक झंडे लेकर चल रहे थे, तो वहीं धार्मिक नारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। डीजे की धुन पर बज रहे धार्मिक गीतों की धुन पर भक्त जमकर नाच रहे थे। शोभा यात्रा का जुलूस मवेशी बाजार, आज़ाद चौक, घंटाघर, तवन मंदिर चौराहा, बरणी कॉलेज होते हुए नई बस्ती में आकर समाप्त हुआ, जहां माता कर्माबाई की आरती संपन्न की गई और बाद में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में उपस्थित भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आपको बताते चलें कि शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह माता कर्माबाई के भक्तों ने आरती की एवं शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जलपान कराया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।